चलो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि मुझे लगा ही था कि ज्योति कविता वाला तुमसे बना। ठीक है, बन गया ना एवरीवन ना? हाँ हाँ, जाओ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो और 11 रीड करो आप लोग। क्या दिया हुआ है? डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर्स फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. Now, हमको क्या निकालना है ना, एरिया ऑफ ईच सेक्शन निकालना है। आपको एक फोटो फ्रेम टाइप का दिया हुआ है बाजू में, है ना। चलो इसका भी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो देखो ना? कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। ये दिया है यहाँ पर कितना, 24 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? ठीक। और ये दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर, और ये दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, है ना। यहां से यहां तक जो है ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको हाइट निकालना है यार। पहले तो देखो आपको ईच सेक्शन, ये जो फ्रेम है, फ्रेम में कितने सेक्शन है, 1 2 3 4, है ना। ये अगर फोटो फ्रेम है तो इसमें 1 2 3 4 सेक्शन है, चारों ट्रेपीजियम के शेप के हैं। बोलो करेक्ट है? तो हमको इसमें से हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। हर सन में क्या बोलो, हर एक सेक्शन का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखो हर एक सेक्शन ट्रेपीजियम के शेप का है, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमको मालूम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो देखोगे सारे ट्रेपीजियम की हाइट मिसिंग है, तो हमको सबसे पहले हाइट निकालना है। अगर हाइट पता चल गई तो एरिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाएगा, करेक्ट है ना। तो हाइट कैसे निकालेंगे बताओ जरा। देखो यहां पर देखो, अगर मैं देखूं तो तुम मुझे ये बताओ, क्या यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है कि नहीं ना? यहां से यहां तक 16 है, और टोटल कितना है, टोटल कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं 24 में से 16 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 8 आएगा। 24 माइनस 16 कितना होगा यार, 8 सेंटीमीटर। यानी कि अब ये समझो तुम, ये टोटल 24 है, यहां से यहां तक 16 है, बचा क्या, ये और ये वाला पोर्शन बच गया। ये देखो ये दोनों पोर्शन बच गया, और ये दोनों पोर्शन मिला करके कितना है, 8 सेंटीमीटर। टोटल 24 है, यहां से यहां तक 16 है, तो बचा 8 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों को मिला करके कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस 8 सेंटीमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो क्या हमारा यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। बोलो आया कि नहीं आया सामने, यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से? अब आप चेक करो, ये जो 4 सेंटीमीटर आपका आया है, क्या इसको मैं इस ट्रेपीजियम की हाइट बोल सकता हूं? चेक करो ना, अगर यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट और नॉट, है ना। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमको इस ट्रेपीजियम की हाइट मिल गई, करेक्ट है। तो क्या इस ट्रेपीजियम की भी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यहां तक आया कि नहीं आया सामने, पक्का? अरे आया हो तो यस सर बोलो, पक्का ना, क्लियर है। अच्छा मुझे वैसे ही बताओ, अगर मुझे इस ट्रेपीजियम की हाइट निकालनी है, तो ऐसे ही कुछ हरकत मुझे यहां करनी पड़ेगी, बोलो करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ यहां से यहां तक ये कितना है यार,
20 है, अरे ये और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, बोलो करेक्ट है। टोटल यहां से यहां तक कितना है 28, तो अगेन इसमें 28 में से अगर 20 माइनस कर दिया जाए तो 8 सेंटीमीटर बचेगा। अगेन 8 को टू पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, बोलो करेक्ट है। आया क्या समझ में? अब तुम मुझे ये बताओ, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो क्या इस ट्रेपीजियम की हाइट मिल गई 4 सेंटीमीटर? देखो ना, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। वैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बोलो करेक्ट है। अब तुम ध्यान से देखो, हमको सारे ट्रेपीजियम के पैरेलल साइड्स और हाइट मालूम है, करेक्ट है ना। तो क्या अब हम इस सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकल जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चेक करो ना, ये देखो, मान के चलो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। सपोज करो इसको मैं फर्स्ट नंबर दे दिया, है ना। ये फर्स्ट सेक्शन का मुझे एरिया निकालना है ना। अगर मुझे निकालना है, यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। अगर मुझे फर्स्ट सेक्शन का एरिया निकालना है तो बताओ, ये एक ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी 16 और 24, ये इसकी पैरेलल साइड्स हो गई, बोलो करेक्ट है। और हाइट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दैट इज 4 सेंटीमीटर, बोलो करेक्ट है। आया यहां तक समझ में? अब कैंसिल कर दे, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो 16 प्लस 24 कितना हो गया यार, हो गया 14 इंटू 2 कितना आ रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ, जितना एरिया इस ट्रेपीजियम का है सेम उतना एरिया इस ट्रेपीजियम का भी होगा, बोलो राइट और नॉट, है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन अगर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन भी कितना हो जाएगा, सेम है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। आया यहां तक अच्छे से समझ में? ये मेंशन तो कर दिया 2, अरे बस ऐसा समझा दो ना, कुछ लिखा तो ही ना, एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम वैसे ही, ठीक है ना। नाउ अब यहां लिख रहा हूं देखो मेन, अब बताओ अगर मैं इसको थर्ड सेक्शन दे दूं तो मुझे आप ये बताओ एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन कितना हो जाएगा, अगेन हाफ इंटू, बताओ इसमें पैरेलल साइड क्या है, ये 20 और ये 28, यानी 20 प्लस 28 इंटू हाइट कितना है 4, इसकी भी हाइट कितनी है 4, बोलो करेक्ट है ना, है ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू 20 प्लस 28 48 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, अगेन 2 8 जा 16 का 6 कैरी, 1 2 4 जा 8 एंड 1 96, तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया क्या समझ में? और अगर एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन ये इतना है तो एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन भी उतना ही होगा, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन भी कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इस केस में, है ना। मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना पड़ जाएगा क्योंकि इतना सारा काम अगर करना है तो आप डायग्राम बना लो, ठीक। और रफली डायग्राम बना लो, आपको एकदम ज्यादा कुछ अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायग्राम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन में मार्क्स रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से आया ना समझ में? पक्का? ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ सॉलिड शेप्स में ना बहुत सारे हैं आपको, लेकिन बड़े कम पढ़ने हैं अभी, ज्यादा नहीं है ना। एक आपको क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है ना, बस ये तीन ही है मेरे ख्याल से, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तो एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, पहला लिख लो क्यूबॉइड, फर्स्ट लिख लो क्यूबॉइड, आप फर्स्ट लिख लो क्यूबॉइड,
फर्स्ट लिख लो क्यूबॉइड। अच्छा क्यूबॉइड क्या होता है? एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, जिसका कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा और कुछ हाइट होगी। इस टाइप का दिखता है आपका क्यूबॉइड। डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले समझने का काम करो, बनाने का काम बाद। देखो दिख रहा है, ये हो गई आपका क्यूबॉइड, ठीक है, जिसका कुछ लेंथ है, हैविंग सम ब्रेथ एंड हैविंग सम हाइट h। आया समझ में? ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब जो हम सॉलिड शेप्स जो आपने लिखा हुआ है, ये 3D फिगर है ना, ये एक्चुअल में आप देख सकते हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर रखा हुआ है ये बुक है ना, एक मिनट, हाँ देखो ये बुक, ये बुक एक क्यूबॉइड है। अगर आप इस बुक को ध्यान से देखोगे, अरना बनाओ मत पहले, देखो यहाँ पर इस बुक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बुक का कुछ लेंथ है ना, कुछ ब्रेथ है और यहाँ पर देखो इसका कुछ हाइट है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। आया ना समझ में? इसको आप क्या बोलोगे? क्यूबॉइड। अब एक एक करके इसके बारे में भी जानते हैं। अब पहले मुझे ये बताओ, इस क्यूबॉइड में टोटल कितने फेस होंगे? टोटल कितने फेसेस होते हैं? टोटल फेसेस, क्या लिख रहा हूं, टोटल फेस ऑफ क्यूबॉइड। अब मुझे ये बताओ, आप फेस बोल दो या सरफेस बोल दो, एक ही बात है, फेस और सरफेस बोलूंगा। टोटल कितने सरफेस होंगे या टोटल कितने फेस होंगे क्यूबॉइड में, तो क्या बताओगे? अब देखो यार, ये क्यूबॉइड है, आपके पास आपकी बुक है, आपके आपके नोटबुक है, वो सब क्यूबॉइड ही है। अगर आप क्यूबॉइड के टोटल सर्फेसेस काउंट करोगे तो इसमें कितने सर्फेस होंगे? देखो एक ये टॉप वाला होगा, एक ये बॉटम वाला होगा, कितने हो गए? एक दो, एक ये वाला हो गया राइट, तीन, जस्ट इसके पीछे में कितना हो गया? चार, साइड में पांच और ये वाला छह। टोटल कितने सर्फेसेस होते हैं? सिक्स सर्फेसेस होते हैं या सिक्स फेसेस होते हैं, ये आप बोल सकते हो है ना, वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स, टोटल सिक्स सर्फेसेस होते हैं आपके क्यूबॉइड में। तो याद रखना, टोटल सर्फेसेस ऑफ क्यूबॉइड पूछेगा तो कितने होते हैं? सिक्स। पहले बताओ ये आया सुन में, है ना। नाउ टोटल एजेस कितने होते हैं? टोटल एजेस ऑफ क्यूबॉइड कितने होते हैं? अब एजेस क्या होता है? एजेस का मतलब ये कॉर्नर्स, एजेस का मतलब क्या हो गया? ये कॉर्नर्स। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे? आप यहां से काउंट कर लो, ये जो सामने मैंने डायग्राम बनाया यहां से आप काउंट कर लो, देखो कितने कॉर्नर्स होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, टोटल कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। आया ना समझ में? तो टोटल एजेस ऑफ क्यूबॉइड कितने होंगे आपके? 12। कोई डाउट यहां तक? पक्का? ठीक, तो ये देखो भाई, ये क्यूबॉइड है जिसमें 6 सरफेसेस हो गए और एजेस कितने हो गए? 12। ठीक, इसको ना आप विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में आप इसको पढ़ोगे, जिसमें एक यूलर्स फॉर्मूला आता है, तो वहां पर आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी कि भाई फेस कितने होंगे, एजेस कितने होंगे, वर्टेक्स कितने होंगे। वो चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि हम इसमें डायग्राम यहाँ बनाए हुए हैं, तो अभी से सीखते चलो, आगे काम आएगा। आया ना समझ में? विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में आप ये चीज पढ़ोगे। नाउ अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, टोटल वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड कितने होते हैं, तो क्या बताओगे? अब वर्टेक्स क्या होता है? वो पॉइंट जिससे एक या एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट निकली हो। वर्टेक्स का मतलब क्या? वो पॉइंट जिससे एक या एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट निकला हो। आया ना समझ में? यानी कि अगर मैं इसके वर्टेक्स काउंट करूं ना, तो ये है इसके वर्टेक्स, देखो ये एक है ना, ये क्या दो है ना, तीन चार पांच छ सात और आठ, टोटल कितने वर्टेक्सेस है? एट है ना। यानी वर्टेक्सेस वो पॉइंट होते हैं जिससे एक या एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट निकल रही हो, उसको वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं ना। तो इसके टोटल कितने वर्टेक्सेस होंगे? 8 वर्टिसेस होंगे। पहले बताओ क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? पक्का? ठीक है।
खैर ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, हमको इस चैप्टर में इसका काम नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि भाई कोई पूछे आपसे क्यूबॉइड क्या होता है तो आप बताओ कि हाँ भाई उसके 6 सरफेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। लर्न दिस वैल्यू बहुत अच्छे से। नाउ हमको जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में काम है वो है दो चीजों पे, एक लेटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया, और आगे जाके हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। आ रहा है ना समझ में? सबसे पहले हम डील करते हैं टोटल सर्फेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मुझे आप ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा तो कैसे बताओगे? तो देखो भाई नाम से समझ में आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, इस क्यूबॉइड के पास टोटल कितने सरफेसेस हैं? 6। तो पूरे 6 सरफेसेस के एरिया का सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यानी अगर ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसके सारे सरफेस का एरिया निकाल के सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो आप ध्यान से देखो, देखो मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूं सामने से, एक मिनट। तो आप लोग मुझे देख के बताओ, ये अगर एक क्यूबॉइड है ना, तो इसके जितने भी सरफेसेस हैं वो कौन से शेप के हैं? देखो ये पहला सरफेस या पहला फेस देखो कौन से शेप का है? रेक्टेंगल। ये भी कौन से शेप का है? ये भी कौन से शेप का है? रेक्टेंगल। तो अब देखो हम एक एक करके इसके पूरे सरफेसेस निकालते हैं, चेक करो यहां पर। ये देखो सबसे पहले अगर मैं ये वाले सरफेस की बात करूं, ठीक, या एक काम करते हैं सबसे पहले बॉटम वाला सरफेस ले लेते हैं। चलो देखो मैं शेड कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली दिखे। ये दिख रहा है बॉटम वाला सरफेस, ये एक रेक्टेंगल होगा, बोलो करेक्ट है ना? व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर ये बॉटम सरफेस का एरिया निकालूं तो क्या निकलेगा? एल इंटू बी। अच्छा जितना बॉटम सरफेस का एरिया होगा क्या उतना ही सेम टॉप सरफेस का भी एरिया होगा? बोलो राइट और नॉट, है ना। तो अगर इसका एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ तो इसका भी एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, बोलो करेक्ट है। तो अब हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसको TSA लिखते हैं, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो इसका एरिया L इनटू B, तो इसका एरिया भी L इनटू B, तो L इनटू B प्लस L इनटू B विल बिकम 2LB, बोलो करेक्ट है? आया कि नहीं आया समझ में? 2LB का मतलब 2 इंटू एल इंटू बी, है ना, क्योंकि ये L इंटू बी, ये L इंटू बी प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 2L इंटू बी, बोलो करेक्ट है? ये आया समझ में? श्योर ना? ठीक। अब मुझे वैसे ही बताओ, अगर मैं ये साइड वाला निकालू, अगर मैं ये साइड वाला निकालू, ठीक है ना, तो मुझे ये बताओ ये साइड वाला क्या आ जाएगा यार? ये साइड वाले सरफेस का अगर मुझे एरिया निकालना है तो देखो ये बी है और ये H है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? BH। अरे इसका ये भी एक रेक्टेंगल ही है ना, है ना, तो इसका ये डायमेंशन है B और ये क्या है? H। तो अगर इसका एरिया निकालना पड़ा तो क्या करेंगे? B into H, बोलो करेक्ट है? अगर ये B into H है तो क्या ये भी B into H होगा? बोलो राइट और नॉट, है ना। तो ये BH तो ये भी क्या BH, तो मैं बोल सकता हूं क्या हो जाएगा? प्लस 2BH, बोलो करेक्ट है? अब सामने वाला सरफेस इमेजिन करो, एकदम फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाला है ये L है और ये क्या है? H, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? L इंटू एच। ये सामने वाले सरफेस का एरिया क्या होगा? L इंटू एच। तो पीछे वाला भी क्या हो जाएगा? एल एच। तो क्या हो जाएगा? प्लस 2LH, बोलो करेक्ट है? देखो फॉर्मूला डिराइव कर दिया हमने। अब बताओ 2 को कॉमन ले लेते हैं, अगर तीनों से 2 को कॉमन ले लूंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूं? LB प्लस BH प्लस HL, है ना। LH को HL लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, दैट इज TSA ऑफ क्यूबॉइड। आया समझ में? दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ क्यूबॉइड। पढ़ो इसको कैसे रीड करते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा भाई क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसके पूरे सर्फेसेस के एरिया का सम कितना होगा, तो आप बताओगे 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL।
बताओ ये आया समझ में पक्का? ठीक है, आप एच एल याद करो, एल एच याद करो, जो आपको इजी पड़े प्रोनाउंस करने में आप वैसा याद करो, ठीक है ना। हाँ, बी एच को एच बी लिख दो, एल बी को बी एल लिख दो, एक ही बात है ना, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। चलो देखो नेक्स्ट है आपका लेटरल सर्फेस एरिया। सेकेंड सेकेंड फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था, सेकेंड जो पढ़ना है आपको लेटरल सर्फेस, ध्यान दो है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटरल सर्फेस एरिया। अगेन लेटरल सरफेस एरिया को वॉल एरिया भी बोलते हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया को वॉल एरिया भी बोलते हैं हम, इसको ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। कभी भी वॉल का एरिया निकालना रहा, इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया। अब तुम ध्यान से देखो, जिस रूम में अभी तुम बैठे हो, क्या ये रूम भी एक क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है आपको, राइट और नॉट? ये देखो 1 2 3 4 5 6 सर्फेसेस है। अब मैं आपको बोलूंगा मुझे इसका LSA निकाल के दो, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, वॉल एरिया। तो अब मुझे आप बताओ इस क्यूबॉइड में, इस रूम में कितनी वॉल्स हैं? सिक्स वॉल्स नहीं है, फोर वॉल्स हैं। याद रखना वॉल्स किसको बोलते हो आप, देखो एक ये वॉल हो गई, एक जस्ट वो वॉल हो गई, ये एक पूरी वॉल हो गई और ये एक पूरी वॉल हो गई। नीचे वाले को फ्लोर बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, फ्लोर, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, सीलिंग। ये ऊपर वाला जो स्लैब दिख रहा है इसको सीलिंग बोलते हैं, है ना। तो चार वॉल होती है, एक फ्लोर होता है और एक सीलिंग होता है एक क्यूबॉइड में। आया कि नहीं आया समझ में? तो अगर मैं आपसे बोलूंगा लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, वॉल का एरिया। बोलो करेक्ट है यहां तक आया समझ में? अब इसका भी हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अगर मुझे LSA निकालना है ना, और वॉल एरिया अगर निकालना है तो तुम बताओगे मुझे। अच्छा देखो, अगर ये एक पूरा क्यूबॉइड है ना, ये क्या है इसका लेंथ, ये क्या है इसका ब्रेथ, और ये क्या है इसका हाइट। बोलो करेक्ट है? तो इस वॉल का एरिया कितना होगा, इस वॉल का, ये पूरी वॉल का एरिया कितना होगा? देखो ये लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, और ये क्या है, हाइट। तो एल इंटू एच होगा इस वॉल का एरिया। बोलो करेक्ट है कि नहीं है? अगेन वैसे इस वॉल का एरिया कितना होगा, एल इंटू एच, तो दो वॉल का एरिया हो गया, बोलो 2LH, राइट और नॉट? करेक्ट है। अगेन इस वॉल का एरिया बताओ, इस वॉल का देखो ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये क्या हो गया तुम्हारा, हाइट। तो b इंटू एच, तो अगर ये वॉल का एरिया b इंटू एच है, तो जस्ट इसके सामने वाली भी वॉल का एरिया b इंटू एच हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2BH। इसको कुछ इस स्टाइल से लिखते हैं, टू को कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस बी, और हाइट को लास्ट में लिख देते हैं। इसी को हम बोलते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया। आया क्या समझ में, है ना? कैसे लिखे इसको, टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी टाइम्स ऑफ एच। कैसे रीड करते हैं इसको, टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, दैट इज नोन एज अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्लियर है? मैं फिर से बता दे रहा हूं, PSA of cuboid को ऐसा रीड करोगे, 2 times of LB plus BH plus HL, और LSA को रीड करोगे 2 times of L plus B into H. This is nothing but a wall area. दोनों अपने अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक बॉक्स बनाना है, मान के चलो आपको एक बिस्किट है उसको आपको पैक करना है, तो उसके लिए आपको एक कार्टून का बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाना है तो उस समय आप क्या निकालोगे, टोटल सर्फेस एरिया। अगर एक पूरा बॉक्स बनाना है, क्लोज्ड बॉक्स क्यूबॉइड के शेप का बनाना जाएगा, तो हमेशा उस केस में क्या निकालोगे, क्यूबॉइड बनाओगे। और अगर आपको बोलेगा कि भाई पेंटिंग करना है वॉल्स में, हमको पेंट करना है, तो अगर वॉल्स में पेंट करना है तो उस केस में आप ये निकालोगे क्या, नहीं, उस केस में आप क्या निकालोगे, LSA निकालोगे। आ रहा है ना समझ में? तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले नोट कर लो इसको, चलो अच्छे से नोट करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कल तक बिल्कुल ये फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना? यहां तक हो गया सबका, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्यूब, नेक्स्ट है आपका क्यूब। अब पहले समझो, देखो क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जो क्यूब है वो एक क्यूबॉइड ही है, जो क्यूब है वो एक तरीके का क्यूबॉइड ही है। बस फर्क क्या है मालूम है, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और इसका जो हाइट है, ये सब सेम रहता है ना। जो आप डाइस खेलते हो ना, लूडो वगैरह जब खेलते हो, तो जो डाइस रहता है
दैट इज अ क्यूब जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगा सेम होगा, उसी को हम क्यूब क्यूब बोल देते हैं। तो थोड़ा सा फॉर्मुले में इसी फॉर्मुले में रिनोवेट करना पड़ेगा, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। आ रहा ना समझ में? तो क्यूब क्या है, क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, यानी कि ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा ए होगा। आया समझ में? तो यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी क्या हो गया ए हो गया। तो आप फॉर्मूले में चेक करो, अगर मुझे टी, अब अगर मुझे इसी में टी एस ए ऑफ क्यूब बताना है, अगर इसी ये तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड हो गया ना, क्यूबॉइड हो गया। अब अगर मुझे इसी में टी एस ए ऑफ क्यूब बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू टाइम्स ऑफ। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या यहाँ लेंथ की जगह भी ए लिखेंगे, ब्रेथ की जगह भी ए लिखेंगे और हाइट की जगह भी क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। तो देखो ये सब ए हो गया, बोलो करेक्ट है, ये तो आया समझ में। तो अब तुम बताओ ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूं ए स्क्वायर प्लस अगेन ए स्क्वायर प्लस अगेन ए स्क्वायर, तो बताओ क्या हो जाएगा, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर, बोलो करेक्ट है। और थ्री टू जा कितना होता है यार, सिक्स ए स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला ऑफ टी एस ए ऑफ क्यूब। आया समझ में? टी एस ए ऑफ क्यूब कितना होता है, सिक्स ए स्क्वायर। आया समझ में? वैसी सेम अगर आपको एल एस ए निकालने के लिए मैं बोलूं क्यूब का, तो एल एस ए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा यार, देखो ये एल एस ए हो गया क्यूबॉइड का, बोलो करेक्ट है। इसको भी हटा ही देता हूं मैं, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो अब अगर मैं आपको बोलूं एल एस ए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, व्हाट इज एल एस ए ऑफ क्यूब, टू टाइम्स ऑफ अगेन ए इंटू ए, ए स्क्वायर ए इंटू ए, ए स्क्वायर। तो टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर स्क्वायर। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एल एस ए ऑफ क्यूब। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, आप इतना सारा सब मत लिखो, आप ये लिख लो और आप ये लिख लो बस। आया समझ में? हाँ, अगर डायग्राम बनाना चाहो या तो घर पे बना लेना, बस पहले ये लिख लो क्यूब हैविंग लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। डायग्राम के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, बनाना है डायग्राम को, और उसके बाद ये लिख लो आप टी एस ए ऑफ क्यूब, एल एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। टी एस ए ऑफ क्यूब होता है सिक्स ए स्क्वायर, एल एस ए ऑफ क्यूब होता है फोर ए। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं भाई, डायग्राम सेम रहेगा ना, क्या रहेगा और। ऑफ क्यूब हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डालना है ना, याद करने के लिए आसानी। टी एस ए ऑफ क्यूब होगा सिक्स ए स्क्वायर। कैसे आया, आया समझ में?